नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हाइलाइट्स पे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिद्ध वेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल। प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। पंचायत चुनाव में हिंसा पर सांसद अर्जुन सिंह का विस्फोटक बयान, कहा बंगाल में सस्ते मिलते हैं बम व बारूद। बम पिस्तौल की राजनीति बहुत पुरानी है, भारत में कहीं और इतने सस्ते में बम नहीं मिलते। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने यह विस्फोटक बयान दिया है। सिलीगुड़ी में राज्य सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनावी संबंधी मामलों पर सिलीगुड़ी में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर सिलीगुड़ी के एक निजी होटल में आयोजित की गई। शिविर में दार्जिलिंग की जिला मैजिस्ट्रेट एस पन्नम्बलम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सिलीगुड़ी में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर घर बनाने वालों के खिलाफ रेलवे ने अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत आरपीएफ ने सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के पास बने मकान को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अब तक विपक्ष दोबारा मतदान कराने की मांग कर रहा था, लेकिन अब तृणमूल भी इस मांग में शामिल हो गई है। जलपाईगुड़ी के रानीनगर उद्योग नगरी इलाके में तृणमूल नेतृत्व इस मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बूथ पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। इस घटना से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के गुरुंग बस्ती इलाके में महानंदा नदी से एक किशोर का शव बरामद किया गया है। प्रधान नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। हालांकि मृत किशोर का नाम पता नहीं चल पाया है। प्रधान नगर थाने की पुलिस सभी घटनाओं की जाँच में जुट गई है। सिलीगुड़ी सेवक रोड इलाके में एक कार में तोड़फोड़ की गई। इसे किसने तोड़ा इसका पता नहीं चल पाया है। मारपीट की इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं हो पाया है। मालदा में मतगणना के 6 दिनों के बाद गाजोल मतगणना केंद्र के कमरे से 3 मतपेटियां बरामद की गई है। प्रखंड प्रशासन, गाजोल पुलिस प्रशासन व केंद्रीय बलों की सुरक्षा की मौजूदगी में मत पेटियों को कमरे से बाहर निकाला गया। सरकारी रास्ते की जमीन के विवाद को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज के रघुनाथपुर इलाके में एक वृद्ध महिला को पेड़ से मोहल्ले के कुछ निवासियों ने बांध दिया। प्रभावित वृद्ध महिला का नाम दूलो बर्मन है। इस घटना के बाद दूलो बर्मन ने कई निवासियों के नाम पर कालियागंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शहीद लेफ्टिनेंट रोशन छेत्री की जयंती के अवसर पर सोलभ नाम के स्वयंसेवी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मंगलवार को दागापुर स्थित गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के कई लोगों ने रक्तदान किया। मालदा में खाली घर का फायदा उठाकर देर रात विधवा महिला से दुष्कर्म करने का आरोप पड़ोसी युवक पर लगाया गया है। आरोप है कि दुष्कर्म की घटना के बाद महिला को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दिन ब दिन बढ़ती यातना को सहन करने में असमर्थ महिला ने आखिरकार ओल्ड मालदा पुलिस स्टेशन में पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने आरोपी नसीम शेख को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहिए इसके लिए धन्यवाद। सावन जल को स्रोत, डियर लॉटरी पुरस्कार को स्रोत, डियर लॉटरी ले बनाएका ई विजेता हरु जस्तै बन्न। यस पाली तपाई पनि जाच्नु होस् आफ्नो भाग्य। नागाल्यान्ड स्टेट डियर सावन मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टिड, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट मात्र 500 रुपया, ड्र 22 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति? Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, salary 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 21st of July 2023, Friday.
at Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है महावीर स्टील थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने सिलीगुड़ी कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN Interiors गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी सम्झना होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौ जोगाएर सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी सम्पर्क नम्बर 9434023813. This is a wooden laminate floor. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813.